पहला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। यह योजना कारीगरों, शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना में कुल 13,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है तथा इसमें कुल 28 व्यवसायों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैजा से प्रभावित किस अफ्रीकी देश को सहायता भेजी गई है? तो यह भेजी गई है जाम्बिया को। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, मुद्रा यहाँ की है जाम्बियाई क्वाच तथा राष्ट्रपति हाइकेंडे हिचिलेमा है। फरवरी 2024 में 100% घरेलू जल नल जन कनेक्शन हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? तो यह बना है अरुणाचल प्रदेश। हर घर जल योजना जल जीवन मिशन का ही एक भाग है जिसे भारत में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल यहाँ के हैं केटी परनाइक तथा लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। नेशनल पार्क में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख करंट अफेयर देख लेते हैं तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीफू सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीन फील्ड डोनीपोर्ट एयरपोर्ट यहीं पर खोला गया है। नवे पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया हुआ है। हाल ही में किसे लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 के स्पेशल अवार्ड मिला है? तो यह मिला है ईसा अंबानी को। हाल ही में किस राज्य के लौंगलता तथा लाल पेड़ा को GI टैग मिला है? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के इन दो मशहूर मिठाइयों लौंगलता तथा लाल पेड़ा दुनिया में छाई हुई है। हाल ही में राज्य के 7 हस्तशिल्प उद्योगों को GI टैग मिला है जिसमें उत्तर प्रदेश के अमरोहा के ढोलक, महोवा गौर पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकासी, संभल हार्डक्राफ्ट, बागपत का होम फर्निशिंग तथा बाराबंकी की हैंडलूम प्रोडक्ट, कलापी की हैंड पेड पेपर। पहली बार दार्जिलिंग की चाय को 2004 में GI टैग दिया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ तथा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजकीय पशु यहाँ का है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस तथा लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में लखनऊ तथा हरदोई में PM मित्र पार्क की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश के रानीपुर में 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कंविक्शन शुरुआत की है। बंदरों के लिए समर्पित पहला बंदर वन जो है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन वास्केट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राजधानी यहाँ की है देहरादून तथा गैरसैंड। प्रमुख नेशनल पार्क में जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। दर्रे में माना दर्रा तथा नीति दर्रा। उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख करंट अफेयर। उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पास किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ऋतु बाहरी। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह
नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नासा और जैक्सा के द्वारा। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। सिक्किम सरकार ने किस संगठन के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरू की है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। इंस्पायर का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स। उद्देश्य इसका है आर्थिक विकास और समावेश को बढ़ावा देना। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना 4 जुलाई 1944 को हुई थी तथा वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैच फिक्सिंग के आरोप में रिजवान जावेद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया है 17.5 साल का। आईसीसी वर्ल्ड कप जो है यह आयोजन स्थल इसका है अहमदाबाद गुजरात, संस्करण 13वां। स्थापना जो है आईसीसी की यह 1909 में, मुख्यालय दुबई तथा अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ जिसका 15वां संस्करण था जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया तथा उपविजेता भारत रहा। आईसीसी से संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी बनी है। वेस्ट इंडीज के समर जोसेफ और आयरलैंड की एमी हंटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यह भारत की रैंक है 41। इसमें नॉर्वे टॉप पर रहा तथा न्यूजीलैंड दूसरे स्थान, आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा। जारी करता है इसका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। भारत इसमें 7.8 स्कोर के साथ 41वें पायदान पर रखा गया है।